जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं टेक क्लब ऑन यूट्यूब। सो दोस्तों, आज से इस चैनल के ऊपर हम स्टार्ट कर रहे हैं नई सीरीज जिसका नाम रखा है #TechNews101 सीरियल नंबर, और यहां से हम स्टार्ट करेंगे सारे टेक अपडेट्स और न्यूज के बारे में। तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा तेज आपको मिलेंगे फास्टेस्ट अमेजिंग न्यूज अपडेट्स सारे टेक से रिलेटेड मेरे चैनल पर। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, उससे पहले मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं टेक क्लब ऑन यूट्यूब। चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहे और आप हमेशा आगे रहें। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहली अपडेट निकल के आती है दोस्तों सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी S21 FE का नया लुक सामने निकल के आया है, जहां पर आपको कलर्स देखने को मिल सकता है, एक मिलिट्री कलर टच साथ में एक पर्पल कलर टच भी मिल सकता है देखने के लिए। और यहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि सारे स्पेसिफिकेशन और चीज़ें सारी सेम मिलेगी S21 FE की जैसे, बट यहाँ पर कुछ कलर ऑप्शंस के साथ फोटोज़ को लीक किया गया है। और माना ये जा रहा है कि यहाँ पर जल्द ही स्नैपड्रैगन 888 के साथ में 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में यहाँ पर आपको जल्दी ये फ़ोन इंडिया के अंदर अवेलेबल होगा। अपडेट यहाँ पर निकल के आता है रियलमी एस वॉच की तरफ से। तो रियलमी ने अपना नया वॉच कलर भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, यहाँ पर आपको सिल्वर कलर देखने को मिल सकता है। साथ में इसकी जो प्राइस होगी वो 4,999 रुपये होगी। और दोस्तों मैं बता दूं कि इंडिया में बहुत ही जल्दी मिलने वाला है, यानी कि 7 जून से इसकी बिक्री शुरू होगी, तो आप वहां से जाके इसे खरीद सकते हैं, यानी कि रियलमी की ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसका नाम है रियलमी वॉच एस। नेक्स्ट अपडेट निकल के आता है यहाँ पे दोस्तों जियो की तरफ से। तो जियो अपना 5G फ़ोन लॉन्च कर सकता है दिवाली के समय, यानी कि दिवाली के टाइम पे। और यहाँ पर जो आपको प्राइस देखने को मिलती है दोस्तों 3,000 से 3,500 के बीच में मिलती है। और फ़ोन अगर आप देखते हैं तो QWERTY कीपैड वाला भी हो सकता है, जहाँ ये कहा जा रहा है कि गूगल के पार्टनरशिप के साथ में यहाँ पर जियो फ़ोन को लॉन्च किया जाएगा, जहाँ पर इसे बिल्कुल बजट रेंज के हिसाब से लॉन्च किया जाएगा। साथ ही में इस फ़ोन के अंदर आपको ड्यूल सिम का ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है दोस्तों वीवो की तरफ से। तो वीवो का Y73 फाइनली फ़ोन कभी भी इस वीक के अंदर लॉन्च हो सकता है, जहां पर आपको दो स्टाइलिश कलर्स, 64 मेगापिक्सल का कैमरा और अमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। यहां पर आपको 8GB की रैम मिल सकती है, प्लस 3GB की एक्सटेंडेड रैम भी देखने को मिल सकती है। प्राइस अप्रॉक्स 20,000 से 22,000 के बीच में दोस्तों हो सकती है। तो देखना ये होगा कि इस वीक में ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है इंडिया के अंदर, और क्या हमें प्राइस रेंज के अंदर काफ़ी अमेजिंग फीचर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है अगेन सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग गैलेक्सी A22 4G और 5G दोनों ही फ़ोन बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। यहाँ पर आपके सामने है इसकी पहली लुक, आई होप आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। यहाँ पर आपको TFT स्क्रीन देखने को मिलेगा, जो कि फुल HD को सपोर्ट करता है। और यहाँ पर आपको इंटरनल स्टोरेज 128GB से लेकर 256GB तक मिल सकती है। और रैम की बात करें तो यहाँ पे 4, 6 या 8GB की रैम तक भी आपको देखने को मिल सकती है। ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे आई बटन में दे दिया है लिंक, आप वहाँ जाके इसे क्लिक करके वीडियो की सारी डिटेल्स ले सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है दोस्तों पिक्सल बर्ड्स ए सीरीज़ की तरफ से। तो यहाँ पर आपको गूगल की तरफ से नया पिक्सल बर्ड्स देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको रिच साउंड मिलता है विद 12mm डायनेमिक स्पीकर्स ड्राइवर्स के साथ में। और जहाँ पर इसकी जो प्राइस है दोस्तों वो हाल फिलहाल रखी गई है 7,200 से 7,500 के बीच में। हाल फिलहाल इन हेडफोन्स को, यानी कि एयरबर्ड्स को, हाल फिलहाल USA और कनाडा में ही लॉन्च किया गया है, जिसकी प्राइस वहाँ पर $99 रखी गई है। नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है दोस्तों मोटो जी स्टाइलिस की तरफ से, जो कि कहा जा रहा है कि ये सबसे ज़्यादा सस्ता फ़ोन हो सकता है 5G के अंदर विद पेन, यानी कि आप जब देखते हैं सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज़ के अंदर वहाँ पर आपको पेन ऑप्शन मिलता है, वैसे ही यहाँ पे आपको मोटो जी स्टाइलिस की तरफ से 5G फ़ोन के अंदर आपको स्टाइलिस पेन देखने को मिलेगा, जहाँ पर हो सकता है स्नैपड्रैगन का 480 चिप और यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर देखने को मिल सकता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, और लास्ट में आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा सेंसर देखने को मिल सकता है। इस फोन के अंदर IPS LCD पैनल भी देखने को मिल सकता है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो दोस्तों 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल सकता है। 10 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग के साथ में ये आ सकता है, और कहा जा रहा है कि इसके अंदर 5000mAh की बैटरी भी हो। बाकी चीज़ें दोस्तों हमें आने वाले टाइम पे पता चलेगी कि ये फ़ोन कब से इंडिया में लॉन्च होगा और कब से ये बिकना शुरू होगा। नेक्स्ट अपडेट निकल के आता है एप्पल की तरफ से। तो एप्पल का ये कहना है कि बहुत ही जल्दी जो उनके एयर टैग्स है, जिसे आप की रिंग्स में या ऐसा अपने चाबी मोबाइल के साथ जहाँ पर भी उसे लगाएंगे, तो आपके वो जो भी आपका जो चीज़ घूमा है उसको वो डिटेक्ट कर लेगा और आपको बता देगा कि कहाँ पर पड़ा है। तो ये जो फीचर है एयर टैग का, वो हाल फिलहाल सिर्फ iOS को सपोर्ट करता था, लेकिन आने वाले टाइम पे अब ये एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को भी सपोर्ट करेगा या फिर एंड्रॉयड फ़ोन्स को भी सपोर्ट करेगा। ये एक छोटा सा हिंट दिया गया है एप्पल की तरफ से, जो कि एयर टैग्स के द्वारा आपको
हेल्प मिलेगी अपनी चीज़ों को ढूंढने में। नेक्स्ट अपडेट निकल के आता है दोस्तों आईफोन एप्पल की तरफ से, और यहाँ पर आईफोन 13 प्रो मैक्स के अंदर कहा जा रहा है कि यहाँ पर इस बार आपको 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और यहाँ पर अब बैटरी की कैपेसिटी है जो कि बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आईफोन 13 प्रो मैक्स के अंदर 4352 mAh की बैटरी, जी हाँ 4352 mAh की बैटरी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है फ्यूचर के अंदर। लास्ट अपडेट निकल के आता है Realme Dizo Star 300 की तरफ से, और यहाँ पर Realme कहता है कि इंडिया के अंदर वो बहुत ही जल्दी QWERTY कीपैड 5G फ़ोन लॉन्च कर सकता है, या फिर वो फ़ोन 4G LTE को सपोर्ट कर सकता है। कुल मिला के इसका जो कंपटीशन होगा वो टोटली जियो गूगल फ़ोन से होगा, जहाँ पर ये अपने सस्ते फ़ोन Realme इंडिया में QWERTY कीपैड वाले फ़ोन्स को लॉन्च कर सकते हैं, और यहाँ पर है आपके सामने उसकी पहली तस्वीर। तो दोस्तों ये थी आपके सामने सबसे फास्ट और न्यू अपडेट्स टेक से रिलेटेड। आपको कौन सा ज़्यादा टेक अपडेट सबसे ज़्यादा पसंद आया कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही में वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि इसी तरीके की वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए लाता रहूं और आप लोग को हमेशा अपडेट करता रहूं। तब तक के लिए गाइज थैंक यू फ्रॉम टेक क्लब, टेक केयर, वंदे मातरम।